दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया। इस वीडियो में आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ टॉप 5 ब्रांड के वैक्यूम इंसुलेटेड बॉटल्स की। ये जो टॉप 5 ब्रांड है काफी ज्यादा सेलिंग होती है। मैंने पिछली वीडियो में जो नॉर्मल स्टील की बॉटल्स होती है उन पर ड्रॉप टेस्ट किया था, जो कि आप लोगों ने बहुत सारे लाइक्स और कमेंट किए, बहुत सारा प्यार दिखाया। अगर जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक है, वहां से आके देख सकते हैं। उस वीडियो की वजह से मैं ये दूसरी वीडियो लेके आया हूँ, जहां पर आज मैं एक्सपेरिमेंट और टेस्ट करूंगा वैक्यूम इंसुलेटेड बॉटल्स का। ये टॉप 5 ब्रांड है और मैं टॉप 5 बेस्ट लेके आया हूँ, तो सबका एक्सपेरिमेंट और टेस्ट करेंगे और देखते हैं फाइनल में रैंकिंग सबसे टॉप पे किसकी होती है। तो सबसे पहले मैं बॉटल्स को अनबॉक्स कर लेता हूँ। पहला ब्रांड है वो है सेलो का, दूसरा है ओलिवेयर का, तीसरा है बोरोसिल, चौथा ब्रांड है मिल्टन का, पांचवा है पिजन का। अगर आपको इन बॉटल्स का प्राइस पता करना है तो डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके आप प्राइस चेक कर सकते हो और बिल्कुल ओरिजिनल और ब्रांडेड विथ 1 ईयर वारंटी के साथ खरीद सकते हो। अब मैं करता हूं इनका टेम्परेचर टेस्ट। अभी जो वाटर का टेम्परेचर है वो है 97.2 डिग्री सेल्सियस। सारी बॉटल्स में हमने पानी को फुल भर लिया है और कैप को अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है। अब मैं 24 आवर के बाद इनका टेम्परेचर टेस्ट करूंगा। पिजन की इंसुलेटेड स्टील बॉटल ने 51.7 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेंटेन किया है। सेलो की इस वैक्यूम इंसुलेटेड स्टील बोतल ने 53.6 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेंटेन किया है। बोरोसिल की इस वैक्यूम इंसुलेटेड बोतल ने 55.8 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेंटेन किया है। मिल्टन के इस वैक्यूम इंसुलेटेड बोतल ने 56.3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेंटेन किया है। ओलिवेयर के इस वैक्यूम इंसुलेटेड स्टील बोतल ने 57.7 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेंटेन किया है, जो कि सबसे ज्यादा है। इस वैक्यूम इंसुलेटेड सेलो की बॉडी पर 75 केजी का प्रेशर लगाने पर इसकी बॉडी के जो आउटर लेयर है वो दब जाती है, देख सकते हैं आप, पिचक गई है, बट इसमें कोई भी लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको 3 फीट की हाइट से ड्रॉप करता हूं। ड्रॉप करने के बाद बॉटल की बॉटम लेयर पर डेंट आ चुके हैं, जो कि आपको साफ दिख रहे होंगे। मिल्टन की वैक्यूम इंसुलेटेड बॉटल पर भी 75 केजी का प्रेशर लगाने पर बॉटल की बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। अब मैं इसको 3 फीट की हाइट से ड्रॉप करता हूं। और इसको 3 फीट की हाइट से नीचे गिराने पर भी कोई भी डेंट इसकी बॉडी पर नहीं आया, ना तो इसके बॉटम लेयर पर आया है। पिजन बॉटल पर भी 75 केजी का प्रेशर लगाने पर बॉडी दब जाती है और फिर से अपनी पोजीशन में आ जाती है। अब करते हैं ड्रॉप टेस्ट। इस बोतल की जो बॉटम लेयर है उसके एक साइड पर डेंट आ चुका है, जो कि आपको दिख रहा होगा। ओलिवेयर बोतल पर 75 केजी का प्रेशर लगाने पर बॉडी पर कोई भी चेंजेस नहीं आता है। और अब इसका ड्रॉप टेस्ट करते हैं। ड्रॉप टेस्ट करने पर इसकी बॉटम लेयर पर 2 डेंट आ चुके हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा।
बोरोसिल की बोतल पर हाई प्रेशर लगाने पर इसकी बॉडी पर कोई भी चेंजेस नहीं आता है और ना ही इसमें कोई लीकेज है। और अब इस पर हम ड्रॉप टेस्ट करते हैं। ड्रॉप टेस्ट करते ही इसकी बॉटम लेयर पर देख सकते हैं एक डेंट आ चुका है। अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने सारे एक्सपेरिमेंट और टेस्ट कर लिए, अब बारी आती है इनकी रैंकिंग देना और कौन सा इसमें विनर होता है। तो नंबर एक पर रैंकिंग आती है ये ओलिवेयर का, जो वैक्यूम इंसुलेटेड बॉटल थे, इसको मैं नंबर एक पर रखता हूँ क्योंकि इसने सबसे ज्यादा टेम्परेचर को मेंटेन रखा। इसने टेम्परेचर को करीब 58 डिग्री तक टेम्परेचर को मेंटेन रखा, जैसा कि मैंने आपको मेजरमेंट करके दिखाया था। दूसरे नंबर पर आता है मिल्टन। मिल्टन ने जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखा था वो था 56.3 डिग्री सेल्सियस, मतलब 56 डिग्री के आसपास इसने टेम्परेचर को मेंटेन किया। तीसरे पे आता है बोरोसिल का वैक्यूम इंसुलेटेड। इसने टेम्परेचर को मेंटेन रखा 55.8 डिग्री सेल्सियस, करीब 56 डिग्री सेल्सियस तक इसने भी टेम्परेचर को मेंटेन रखा। अब चौथे नंबर पर आता है सेलो का। सेलो ने जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखा था वो था 53.6 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर को मेंटेन रखा। लास्ट में आता है पीजन का। पीजन ने जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखा था, पीजन के वैक्यूम इंसुलेटेड बॉटल्स ने करीब 51.6 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा था। देखा जाए तो हमने इसको ड्रॉप टेस्ट किया और इसको कुछ हाइट से नीचे भी गिराया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके जो बॉटम लेयर पर थोड़ा सा डेंट आ चुका है, बाकी इसकी बॉडी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बात करते हैं मिल्टन की बॉटल। मिल्टन की बॉटल्स पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक साइड पे कहीं भी डेंट नहीं आया है। ओवरऑल बॉडी पे आपको हल्का सा, बहुत हल्का सा माइनर डेंट देखने को मिलेगा, बाकी ओवरऑल ये फिट है क्योंकि ये जो इस पे प्रेशर से डेंट आया है, बाकी कहीं से भी ड्रॉप टेस्ट में इस पे डेंट नहीं आया है। ये जो तीसरी बॉटल है ये है बोरोसिल की, जिसे हमने तीसरी रैंक पे रखा था। और इसमें देख सकते हैं इसकी जो बॉडी पर जब हमें इस पे हाई प्रेशर लगाया था तो यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइनिंग में डेंट आया है, अंदर की तरफ दब चुका है। बाकी इसकी बॉटम लेयर पर यहाँ पे डेंट है, देख सकते हैं नीचे की तरफ डेंट है, बाकी ये भी अच्छी तरीके से अभी भी वर्क कर रहा है। नंबर फोर्थ पर आता है सेलो का। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेलो की बॉडी में कोई भी डेंट नहीं आया है, बाकी इसकी बॉटम लेयर पर आप देख सकते हैं हल्का सा डेंट है। ओवरऑल ये भी फिट है और यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा आप इसमें डेंट देख सकते हैं, जो कि हमने प्रेशर अप्लाई किया था उसकी वजह से आया हुआ है। जिसे हमने फिफ्थ रैंक पर रखा था वो था पीजन का वैक्यूम इंसुलेटेड बॉटल। इसमें आप देख सकते हैं इसकी बॉटम लेयर पर हल्का सा डेंट आया है यहाँ पे, और बॉडी की बात की जाए बॉडी पर कहीं भी डेंट नहीं है यहाँ पर, और न तो इसकी कैप पे डेंट है। ये ओवरऑल फिट है, सारी बॉटल सब वर्किंग कर रही है। आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। अगर आपको टेम्परेचर के ऊपर लेना है कि आपको ज्यादा देर तक पानी को ठंडा गर्म रखना है तो नंबर एक पर इसको रखा है मैंने ओलिवेयर का, और नंबर टू पर अगर आप देखना चाहते हैं तो ये है मिल्टन का। नंबर थ्री पर आता है ये हमारा बोरोसिल का, और नंबर फोर पर आता है सेलो का, और नंबर फिफ्थ पर आता है पीजन का। तो जाके आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया है, वहां से जाके खरीदें बिल्कुल ओरिजिनल डिस्काउंट के साथ। दोस्तों फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए एक्सपेरिमेंट टेस्ट के साथ। जय हिंद।